प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से की जा रही है और मैं प्रोफेसर गिरधारलाल थापा प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के एससी एसटी रिटायर्ड एम्प्लॉइज फोरम आपके माध्यम से आज दो तीन मुद्दों पे बात करूंगा। वैसे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन आज मैं दो तीन मुद्दे ही उठाऊँगा। टू स्टार्ट विद मैं बात करूँगा रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है ये हमारी अक्टूबर 2015 में हमारी जे एंड के हाई कोर्ट ने स्टक डाउन की थी और उसके बाद वी वेंट टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ से हमें स्टेटस को मिला, बाद में फुल स्टे भी मिला। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी तब भी उनको मिसलेड किया, जब गवर्नर रूल आ गया तब भी हमने कोई एडवाइज़र नहीं छोड़ा जिनके साथ हमने मीटिंग नहीं की। अल्टीमेटली हमने गवर्नर साहब से भी मीटिंग की बट बदकिस्मती रही कि कुछ एक ब्यूरोक्रेट जो हैं एंड मोर स्पेशली द लॉ सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी जीएडी इन्होंने हमेशा मैनिपुलेशन की, मिसलेड किया और वो हमारा स्टेटस को जहाँ स्टेटस स्टेज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब लास्ट में जब मार्च 2019 में यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल आर्डर आया विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, तो फिर वही ब्यूरोक्रेट्स जो केएस की एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है वो आर एंटी एससी एसटी एंड ओबीसीज, उन्होंने फिर मैनिपुलेशन करके उसका कुछ जो है वो नहीं बनने दिया। अब जब ये हमारी स्टेट जो है ये जे एंड के यूनियन टेरिटरी बन गई, प्रेजिडेंट रूल आ गया और यहाँ पर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आगे हैं, तो भी हमने देखा है कि ये जो हमारी लॉबी जो है ये इतनी है कि ये कोई पेश नहीं चलने दे रहे, इसकी जो पॉजिटिव जो है उसे सामने नहीं आ दे रहे। अब रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की फॉर द पर्पज़ ऑफ रिस्टोरिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस और कमेटी जो है इसके चेयरमैनशिप जो है वो थी मिस्टर एम के द्विवेदी जो आईएएस ऑफिसर हैं और हमने इस कमेटी का वेलकम किया। हम बड़े खुश हो गए कि अब जो है कुछ पॉजिटिव जो है वो निकलेगा और हमारा ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला जो है इसका ये कुछ पॉजिटिव हमें देंगे और ये हमेशा के लिए हल कर देंगे। बट और इस कमेटी को दिस कमेटी वॉज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाई 13th of December। अब हमें बदकिस्मती है हमारी, मैं दुखी होकर के कह रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि वही कमेटी, वही मेंबर्स, वही जो केएस की एंटी एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ लॉबी है उन्होंने मुझे लगता है कि इन यहाँ पर भी मैनिपुलेशन की है और हम मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई पॉजिटिव जो है वो निकल के कहीं आया है। अब चूँकि स्टेट जो है यहाँ पर हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते इनका फ़र्ज़ बनता है कि एससी एसटी ओबीसी जो है इनके इंटरेस्ट जो है इनको सेफ गार्ड करें और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अब इन द कैपेसिटी ऑफ ए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के ही शुड इशू एन ऑर्डर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और ये जो लॉबी जो हमारे हमेशा नेगेटिव रहते हैं इनको थोड़ा चेक करें और एक ऑर्डर इशू कर दें जिसमें कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो है ये हमें मिल सके। फिर हमारे दो छोटे छोटे मसले और भी हैं कि वो मसले तो नहीं लेकिन हमारी ग्रीवेंसेज हैं कि हमने कोशिश की कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पर्सनली मिल सकें, मीटिंग करें, बट अनफॉर्चुनेटली अराउंड अबाउट मेरा 2 महीने होने चले हैं, हमें उस ऑफिस से अभी तक कोई जो है लफ्ज़ नहीं सुनाई दिया है कि हम कब आएँ, कैसे मिलें। एंड सेम इज़ ट्रू विद द केस ऑफ मीटिंग विद द चीफ सेक्रेटरी, वहाँ तो मेरे हर साल से हम पीछे लगे हुए हैं और कोई इतनी स्ट्रांग वहाँ कोई ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी है जो नहीं चाहते हैं कि हमारी संस्था जो है ये इनसे मिल पाए और अभी तक हमें वो भी नहीं मिला, अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिली। अब आपसे मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जल्दी से जल्दी एलजी साहब जो है वो मिलने का वक्त दें और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मिलें, नहीं तो काफ़ी रिजेंटमेंट जो है हमारी कम्युनिटी में हो रही है
और फिर हो सकता है कि हम मजबूर हो जाएं, मजबूर हो के जहाँ हमें मजबूर किया जा रहा है कि वी मे रिजॉर्ट टू द पीसफुल एजिटेशन आफ्टर 26th ऑफ जनवरी।